लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बनी आफत, गरीबों के गिरे आसियाने। ग्राम पंचायत बुडेरा में गरीब महिला का गिरा कच्चा मकान, सभी घर गृहस्थी दबकर हुई नष्ट। खबर महोबा, पनवाड़ी से। विकास खंड पनवाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान गिरने हुए शुरू, तो वही लोगों ने आर्थिक सहायता दिलाए जाने मांग की। इस बारिश से किसानों को भी नुकसान होने की बात किसानों द्वारा बताई जा रही है। मंगलवार की शाम से हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। कस्बा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पनवाड़ी कस्बे के मोहल्ला पठानपुर में रजनी देवी पति राकेश अग्रवाल और बुडेरा गांव निवासी रेखा पत्नी धीरेंद्र पांचाल का कच्चा मकान धराशायी हो गया। उसके मकान गिरने से घर गृहस्थी का सामान दबकर सब नष्ट हो गया। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सतोरा स्योरी नगारा घाट में भी कच्चे मकान गिरने से की सूचना प्रकाश में आई। सभी लोगों ने उक्त गिर रहे कच्चे मकानों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की, तो वहीं किसानों को इस बरसात के पानी से उर्दू मूंग तिल की फसलों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। किसान हरिश्चंद्र प्रदीप रविंद्र विजय कुलदीप कहते हैं कि इस मूसलाधार बारिश से खरीफ की सभी फसलों में नुकसान हुआ है। मूंगफली, तिल, मूंग, पिपरमेंट आदि फसलों जलकर नष्ट होने की कगार पर हैं। तो वहीं रवी की फसल के लिए भी मटर की बुवाई में देरी होने की आशंका जताई जा रही है। देखिए बीएस लाइव न्यूज से संतोष कौशिक की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। कौन सा गांव है? नंघारा। क्या हुआ? चौकी की दीवार गिर गई। कहाँ, किसके मकान पर? अब हम ना अपने आदमी को नहीं, हम ले सर रामपाल को ले सक लड़का को। चौकी की दीवार गिरी है? हाँ। तो इसमें अभी आपका नुकसान हुआ है? बता, भीग गई है दबी जात। अच्छा, तो आपने अभी चौकी इंचार्ज साहब को बताया? बताया था हमने। तो क्या कह रहे थे? वे बोले हम सही करा दें। और मैं धवार गांव का रहने वाला हूँ, पनवाड़ी ब्लॉक में आता है। यह समस्या का है, खेती की सबसे बड़ी समस्या। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पाठक। सर कम से कम 30-35 बीघा ये थे, और जो है जो कटने के समय, बिल्कुल कटाई का समय आ गया था। कुछ कट भी गए थे? कुछ थोड़ा बहुत, जैसे हरैया खाड़ कट गए थे। इसके बाद का भाव कि आज 4-5 दिन से इतनी घनघोर बरसात हो रही, क्योंकि कोसन लगी लगाई भी खेत में गिर गई। अच्छा। तो पूरी फसल नष्ट हो गई, सड़ गई। मतलब हम तो बहुत परेशान है भैया, आप क्या करें, कोई चारो ही नहीं है। जो लगा सरसों के एक ऐसा कछु गिर जाए जी, मैं हम ही मर जाए, सरसों सब पटा जाए, जो अपनी तक कहाँ से जी ढोर बछे रू लड़का बच्चा जी काय भी पलट पोसत। सरकार ने एक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी, उससे आपने करवाया था बीमा या नहीं करवाया? बिल्कुल बीमा करवाया था इस साल का, तो बीमा हर साल में तो नियम से बीमा करवाता हूँ। जो मटर का बीमा करवाया था वो आज तक नहीं आया, इसका बीमा करवाया था, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और सरकार जैसे बटरा का नहीं दिया, ऐसे इसका ना दिए। किसान तो मर ही रहा है, हर तरीके से मर रहा है। देखना अभी कई किसान फांसी लगा के मर जाएंगे। टोल फ्री नंबर पर शिकायत तो दर्ज करा दी होगी? हाँ, टोल फ्री नंबर पर शिकायत की थी, और जिन लोगों से प्रशासन को भी अवगत कराया होगा? बिल्कुल सबको अवगत कराया है। कोई अभी तक आया जांच पड़ताल करने? किसी ने ये निरीक्षण के लिए ये नहीं कहा कि हम लोग वहाँ से आए हैं। क्या वैसे मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है कि जो हमने बीमा कराया, ये बीमा किस लिए कराया जा रहा है? सरकार अपना भरण पोषण करती है का इसमें 500-2000-3000 रुपए लेके? भाई जब बीमा नहीं आता तो किस बात का बीमा? भाई साहब, पाठक जी, पाठक जी, आप मुझे एक बहुत जागरूक किसान लग रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि आते हैं, किसान हितोषी बताते हैं, ऐसे में आपके जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या भूमिका है? वो शांत बैठे हैं, आप लोगों के आए हैं, किसी खेतों पे गए हैं, उनकी क्या गतिविधि है? और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी आप क्या दोषी मानते हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब भ्रष्टाचारी, सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। जो लोग इतने वादे करके वो आज इतनी बड़ा एक्सीडेंट होके भी देखने नहीं आई, मानता हूँ इसी तरीके से ये सरकार जो है नष्ट हो जाती है। अच्छा, अपने सही कार्यकाल को ना करते हुए, ना पाते हुए, इसीलिए इसका जो है रिजल्ट लास्ट में खराब निकलता है। प्रदेश आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव।